जिसकी गवाही ने आपको मुश्किल में डाला, सिसोदिया और संजय सिंह को जेल पहुंचाया। आखिर कौन है वो आरोपी दिनेश अरोड़ा? शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के बाद आपके एक और बड़े नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारी उस शख्स की गवाही के बाद हुई जो कभी मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता था। ऐसे में जानना जरूरी है कि दिनेश अरोड़ा आखिर है कौन, उसने ऐसे कौन से राज उगले कि आपके दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल है। दिल्ली में उनके कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े थे। हौज खास में उन्होंने अपना पहला कैफे खोला। 2018 में अरोड़ा ने इस्टमेल करा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद कई कंपनियां भी शुरू की। रेस्टोरेंट के अलावा भी अरोड़ा के कई बिजनेस चलते हैं। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए गए अपने बयान में कहा कि साल 2020 में उसके पास संजय सिंह का फोन आया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा मांगने की बात हुई थी। इसके बाद उनके ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। संजय सिंह के कहने पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट और बाल मालिकों से बात की और करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंपे थे। इसके बाद से दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के काफी करीब हो गए थे, लेकिन जब शराब घोटाला सामने आया तो दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया। ईडी के सामने उसने सारे राज उगल दिए, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लेते हुए संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। उसने पूछताछ की, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।